हाय एवरीवन मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की क्लास में अगर सब कुछ ठीक है ऑडिबल है विजिबल है तो एक बार ही बताओ फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑल ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को बफ तो नहीं है यार शुभ शुभ बोलो कोई बफ वफ नहीं है हाँ। तो आज हम लोग बेसिकली जो भी पूरे हफ्ते भर की है ना वीकली आज हम उसे कवर करने वाले हैं जो भी चीजें हमने कर रखी हैं क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं वो करेंगे इसके साथ ही साथ में बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वन लाइनर होती हैं हम वो भी आज कवर कर लेंगे ठीक है मैं आपको कई बार यही चीज बताती हूँ कि आ, ये जो हमारा सेशन होता है इस सेशन में हम लोग दोनों करते हैं वीकली में जो चीज़ें छूटी रह जाती हैं वो भी कर लेते हैं और जो हम पढ़े रहते हैं उसकी रिविजन भी कर लेते हैं तो सेम वही काम करने वाले हैं ठीक है एनी वे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और ये आप देख सकते हो विश्वास दिवस तो विश्वास दिवस का ऑफर आप लोगों के लिए दस फरवरी तक है इसमें आप लोगों को आ, क्या है इसमें आप लोगों को टू टाइम्स वैलिडिटी वन ईयर की प्राइस में मिलेगी यानी बैंक महाविश्वास पैक आपको बैंक महापैक की प्राइस में मिल रहा है इन टू सेवन नाइन नाइन बेनिफिट क्या होता है अपार्ट तो हो। हो। दिवस का ऑफर चल रहा है तो आप लोगों को सिक्सटी परसेंट ऑफ सभी लाइव बैचेस पर मिलेंगे इसके अलावा दिशा फाउंडेशन बैच है इसमें आप लोगों को बैंक एस एस सी रेलवे इंश्योरेंस स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी तो आप इसको भी चा परचेज कर सकते हो इन जस्ट थ्री ट्रिपल नाइन देन बैंकर फाउंडेशन बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ये आप लोगों की जीरो टू हीरो आप लोगों को बनाने के लिए बैच है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी अब हम अपनी आज के सेशन की तरफ चल सकते हैं ओके okay? चलो तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली खबर से हमारी सॉरी शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू है है भाई तो तो देखिएगा ठीक भारत की जो पहली इससे कुछ दिए हैं और आपको इसके बाद बताना है कि इनमें से से कौन कौन से हैं सबसे पहला है इंडिया की पहली गतिशक्ति रिसर्च चेयर है ये आई शिलांग शिलोंग में बन रही है दूसरा है कि स्टेब्लिश की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एम की मदद से तीसरा है कि ये इनिशिएटिव है ताकि डिस्कस कर सके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट करेक्ट है ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री टू एंड थ्री और ऑल आर ऑल आर करेक्ट बताइएगा ओके okay, मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं ए ए ए चलो एक बार देख लेते हैं बिकॉज ये न्यूज हमने करने भी थी हम किए भी नहीं थे इसी के साथ साथ कर भी लेते हैं ठीक है चलो देखो भारत की सबसे पहली गति शक्ति रिसर्च शेयर जो है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है आई एम शिलोंग पहला वाला पॉइंट वॉज करेक्ट ठीक है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई नहीं है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है तो ये सेकेंड वाला पॉइंट रॉन्ग होगा ठीक है थर्ड देखो जो इनिशिएटिव है इसका मकसद होगा कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है भारत में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न को कनेक्ट कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल रीजन से उस पर डिस्कशन की जा सके तो जब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कनेक्ट करे ईस्टर्न रीजन को इसके मुताबिक ये भी गलत है जो सही पॉइंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है वो है ओनली वन तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन ठीक है चलो थैंक यू सर ओके चलो हम अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा

बोलो भाई ये देखो मेरे पॉकेट से ये दस की नोट निकली है बहुत ही बुरी हालत में अब इस नोट को पता है क्या कहते हैं इसे कोई इस सॉल्ड नोट कहते हैं देख लो इसकी हालत यही सब सॉल्ड नोट्स होती हैं जाने चलो खैर हाँ भाई तो यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि किन्होंने जो है सक्सेसफुल कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है अपनी 50 मेगावाट गुजरात सुपर पावर स्टेशन की यह करने वाला कौन है बेटा एस जे वी एन लिमिटेड सतलज जल विद्युत निगम जो है इन्होंने शुरुआत करी है इस पावर पावर हाउस सॉरी पावर स्टेशन की ठीक है अगला देखिएगा कल्याणी स्टील ने एमओ साइन किया है कौन सी राज्य सरकार के साथ और बोला है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहां डालने वाली है केरल तमिलनाडु ओडिशा आंध्र तेलंगाना ओके सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस इसका आंसर क्या होगा बेटा ओडिशा में इन्होंने कहा है कि ग्यारह हजार सात सौ पचास करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये सेटअप करने वाले हैं ओके okay. अगला देखिएगा कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है सवेरा प्रोग्राम जिसका मकसद है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ठीक है तो आ, ब्रेस्ट कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए सॉरी कौन सी राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये सवेरा प्रोग्राम शुरू किया है ऑप्शन हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गुजरात राजस्थान पंजाब हरियाणा इसका आंसर क्या है बेटा गेटिंग द आंसर दी सी सी बोले तो what? देखो हरियाणा की जो सरकार है इन्होंने अपने वहां पर शुरुआत करी है क्या सवेरा प्रोग्राम जिसका मकसद है कि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंट किया जा सके ब्रेस्ट कैंसर को ठीक है इसके इनिशिएशन की गई है मेदांता फाउंडेशन किसके साथ मिलकर के किए हेल्थ डिपार्टमेंट इन गुड़गांव के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे हरियाणा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कैपिटल क्या है चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खत्तर गवर्नर बंदारू क्वेश्चन है फरवरी में इनमें से कौन सी कंपनी ने पहली ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है है जो कोलैबोरेट कर रही सेस के साथ और इटालियन एक्सपोर्ट एजेंसी टू बूस्ट द कॉरपोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज ठीक है तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन कौर्प, बेहतर करने के लिए कौन सी संस्था कोलैबोरेट कर रही है सेस के साथ ऑप्शन में है एनएमडीसी टीपी रिन्यूएबल पावर फिनांस एनटीपीसी टोरेंट इसका आंसर क्या है बेटा देखो यहाँ पे जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इन्होंने एमओयू की साइनिंग करी है किसके साथ में सेस के साथ में ताकि भारत और इटाली के बीच में जो कॉरपोरेशन या कोऑपरेशन है वो और बेहतर हो सके ठीक है तो ये करने वाला कौन है बेटा इट हैज बीन डन बाय पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अगला सवाल देखिए किन्होंने इनोग्रेट किया सुदर्शन सेतु इंडिया इंडिया का सबसे लंबा आ, केबल स्टेट ब्रिज जगदीप धनकर एस जयशंकर नितिन गडकरी द्रौपदी मुर्मू या नरेंद्र मोदी इसका इनोग्रेशन करने वाले कौन है सुदर्शन सेतु हमने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है इसके बारे में है ना सो दैट वुड बी वॉट ई एनी वन एल्स देखो भाई नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था अगर आप लोगों को याद हो ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेशन किया था सुदर्शन सेतु ब्रिज का ठीक है अच्छा सुनो बेटा एक बात और आप लोग ये मत सोचना मैडम पढ़ा क्यों नहीं रही है ये क्या चल रहा है ठीक है तो ये जो चल रहा है बेसिकली हम लोग पूरे हफ्ते की रिवीजन कर रहे हैं है ना तो यहां पे हम पढ़ते नहीं है एमसीक्यूज वीकली एमसीक्यू सेशन में एक टाइप ऑफ रिविजन सेशन होता है कि आप जो भी पढ़े हुए हो पूरे हफ्ते उसकी एक क्विक रिविजन ले लें कुछ इंपॉर्टेंट छूटा रह गया हो तो उसको भी कर लें समझ रहा हो तो ये वैसा एक सेशन होता है ओके चलो अगला देखिएगा अच्छा सुदर्शन सेतु का एक और नाम क्या है सिग्नेचर ब्रिज है ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है इट अगला देखो फरवरी 2024 तो में कौन से बैंक ने ये प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 6.75 से 6.8% SBI PNB बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक किनारा बैंक अगेन ये वी हैव ऑलरेडी डन दिस इसके आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एंड से प्रोजेक्शन दिया था कि जो भारत की जीडीपी होगी ये 6.75 से 6.8% ग्रो करेगा ज़ूरिक इंश्योरेंस एक्वायर करेगा कितना परसेंटेज स्टेक कोटेक जनरल में फाइव फाइव सिक्स जीरो करोड़ में थर्टी फोर्टी फिफ्टी स्टेक लेने वाला है, है, है इन्होंने बताया है कि जो जूरक इंश्योरेंस है सेवेंटी परसेंट स्टेक इस बैंक की जनरल इंश्योरेंस यानी कोटक का जो जनरल इंश्योरेंस फॉर्म है उसमें जोरक इंश्योरेंस सत्तर परसेंट का स्टेक खरीदने वाला है ठीक है चलो अगला देखिएगा किसको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्यरशिप में अंशिका सिंह साधना सक्सेना नायर वसुधा गुप्ता ततोंग पाडी या फिर राघु श्रीनिवासन तो ये किसको अपॉइंट किया गया बेटा हां जी देखो ततंग पाडी जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर कहां पर अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में ओके okay. अगला क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख गणेशन कन्नाबीरन नीरज अखौरी प्रमोद शर्मा भूपेंद्र कुमार या विवेक श्रीवास्तव तो ये तो हम लोगों ने क्लास के दौरान ही किया था ये पूरा है ना किसको अपॉइंट किया गया बेटा इसका आंसर है बी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट भूपेंद्र कुमार जी का फॉर पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन ठीक है ये तो हम लोगों ने क्लास में पूरा किया था यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो ये जो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल है यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफिस का नया डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है गीता बत्रा सपना सिंह अरुंधति भट्टाचार्य अंशुला कांत या गीता गोपीनाथ आंसर क्या है गीता गीता यस गीता बत्रा ठीक है तो गीता बत्रा जी को अपॉइंट किया गया है अच्छा ये भारतीय मूल की इकोनॉमिस्ट है ठीक है इनको ही अभी फिलहाल में अपॉइंट किया गया है ओके okay? uh, ये नई डायरेक्टर बनाई गई इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन ऑफिस की वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की अगला हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड द ग्रेट फ्लैप ऑफ नाइनटीन अमिताभ घोष मुकुंद पद्मनाभन सलमान रजदे शशि थरूर या चेतन भगत ठीक है तो इस किताब के लेखक कौन है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बताइएगा बताओ भैया बताओ देखो इस किताब के लेखक कौन है देखो द बुक टाइटल द ग्रेट फ्लैप ऑफ राज फोर्टी ओवर ए जापानीज नॉन इन्वेजन वाज ऑथर्ड बाय मुकुंद पद्मनाभन ठीक है और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया है विंटेज बुक्स के द्वारा इसकी पब्लिशिंग की गई है अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा एडिशन हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का भारत और जापान की डिफेंस फोर्स के बीच में फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट ठीक है तो इन दोनों के बीच के कौन सा एडिशन था अभी जो किया गया है और ये जो तुम लोग के अंगूठे हैं ये इतना शर्मा शर्मा के लगा रहो कम से कम उसको अस्सी नब्बे तो कर दो अपने अंगूठों को ऐसा क्यों करते हो ओके तो मुझे क्या आंसर मुझे आंसर बी देखिएगा ये पांचवा चरण हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में शुरू हुआ है जो एक्सरसाइज है इसको स्केड्यूल किया गया था पच्चीस फरवरी से लेकर नौ मार्च के बीच में धर्मगार्जन बेसिकली भारत और जापान के बीच की जो डिफेंस फोर्सेस है उनके बीच में किया जाता है ओके फिलहाल में क्या हो रहा है फिलहाल में ये हो रहा है राजस्थान में अगला मारुति सुजुकी इंडिया ने पार्टनरशिप के किस बैंक के साथ डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए ऑप्शंस है सिटी यूनियन बैंक इंडियन ओवरसीज यूनियन बैंक कर्नाटका बैंक या करूर वैसा बैंक <laughs> नहीं नहीं राज इतना मत करो थैंक यू थैंक यू बहुत हो गया चलो किसके साथ में ये किया गया बताइएगा हाँ भाई देखो मारुति सुजुकी ने एक इनिशियल पैक्ट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए ठीक है ये टाइप जो है इससे क्या किया जाएगा फंडिंग ऑप्शन मिलेगी जो भी लोग चाहेंगे मतलब इनकी गाड़ियां खरीदना उनको ये बैंक क्या करेगा इजीली लोन ऑफर करेगा ओके तो यह भी किसके किसके बीच किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी अगला देखो अजय कन्वाल को रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल कैपिटल जना शिवालय या इक्विटा तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि अजय कानवाल जी को कहां पर एमडीसीयू अपॉइंट किया गया है ओके देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि रिअपॉइंटमेंट किया जाएगा अजय कानवाल जी का एम डी सी ओ ऑफ जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है ये रीअपॉइंटमेंट इनकी जो है तीन साल की है मार्च इक्कीस ले 20, से लेकर के मार्च बीस दो हजार सत्ताईस तक दो हजार चौबीस से दो हजार सत्ताईस तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया ठीक है जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है एस्टेब्लिशमेंट हुई है दो हजार अठारह हेड ऑफिस बेंगलुरु और सीईओ है मिस्टर अजय कानवाल नीति आयोग के सीईओ बीवीआर बी सुब्रमण्यम ने कहा है लेटेस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इंडिकेट करता है कि जो पॉवर्टी है वो कितने प्रतिशत तक कम हो गई है भारत में और धीरे धीरे लोग जो है ये प्रोस्परस हो रहे हैं रीजन जो है सॉरी अर्बन और रूरल दोनों में तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी कम हो चुकी है पॉवर्टी ऑप्शन में है दो पांच छः सात नौ परसेंट कितनी परसेंट कम हुई है ओके okay. तो देखिएगा नीति आयोग के सीईओ बी वी सुब्रमण्यम ने बताया है कि जो लेटेस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया उसमें बताया है कि जो पॉवर्टी है अपने देश की ये पांच प्रतिशत तक कम हुई है ठीक है अपने देश की और जो लोग है वो प्रोस्परस हो रहा है रूरल और अर्बन एरिया में इन्होंने ये भी बताया है कि इंक्रीज हुआ है कंजन रूरल और अर्बन एरिया में टू टाइम्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत रिलीज करता है डेटा हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2022-23 की इसमें यह भी बताया है कि जो पर आ, पर कैपिटा मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर है वो डबल से ज्यादा हो चुका है किस ईयर के कंपैरिजन में 2011-12 में यानी 2011-12 में जो घर एक-एक घर खर्चे कर रहे थे अपनी तरफ से वो अब डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं आज के समय में हो ही जाएंगे यार 2012 में एक समोसा जो है तीन चार का मिलता था आज के समय में एक समोसा ही बारह पंद्रह का मिल रहा है चलो नीति आयोग कौन देखे इसकी फाउंडेशन हुई है 2015 में इसकी शुरुआत की गई है 2017 में ठीक है हेड ऑफिस की हम बात करें अगर नई दिल्ली में चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी वाइस चेयरपर्सन सुबन बेरी सीईओ ई बी सुब्रमण्यम ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलो अगला देखो फरवरी दो में ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग एफ ने रिमूव किया है यू को अपनी ग्रे लिस्ट से ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि एफएटीएफ का हेड ऑफिस कहां पर है ऑप्शन नायन बर्लिन पेरिस सोफिया वियना बताइएगा बहुत आसान सा सवाल है एफएटीएफ का जो हेड ऑफिस है इट इज इन पेरिस फ्रांस ठीक है ये तो हम लोग अभी कल करेंगे पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट ये मैं आपको समझाऊंगी भी अभी के लिए इतने आप लोगों को रटे रहना है कि हाँ ये कहां पर है पेरिस फ्रांस में फरवरी 2024 में यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अनाउंस किया है कि वो एक रीजनल फेलिसिटेशन फेसिलिटेशन ऑफिस शुरू करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कौन सी शहर में बेंगलुरु चंडीगढ़ चेन्नई ग्रेटर नोएडा या तिरुवनंतपुरम बताइएगा कौन से शहर में ये इसकी शुरुआत करने वाले हैं ओके okay, मुझे क्या चंडीगढ़ देखिएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा है कि एक रीजनल फैसिलिटेशन ऑफिस शुरू किया जाएगा सीबीएफसी का चंडीगढ़ के अंदर इसका मकसद यही होगा कि फिल्म मेकर्स को सपोर्ट किया जाए उस रीजन में ताकि वो फिल्म सर्टिफिकेशन आसानी से पा सके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा

अलग अलग इकोनॉमीज अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रालय सब अपनी अपनी तरफ से गणना कर रहे हैं भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी किस साल तक बन जाएगा आप लोगों को टारगेट और किसने ये बताया है ये दोनों इंस्टीट्यूट या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी है वो आपको याद रखना है फिलहाल में हम लोग जेफरीज की बात कर रहे हैं तो जेफरीज के मुताबिक कब ऐसा हो जाएगा जेफरीज के मुताबिक ये हो जाएगा <coughs> सॉरी दो तक ठीक है इन्होंने क्या कहा है कि जो जेफरीज है इन्होंने बताया है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दो तक बन जाएगा किसको किसको पीछे करके जापान और जर्मनी को पीछे करके ये तीसरे पर आ जाएगा अगला देखो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने साइन किया है एमओयू किस संस्था के साथ में ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर कर सके ऑप्शंस में नबार्ड आरबीआई पी सेवी या सेडबी ठीक है बताइएगा कुछ रह जाते हैं कुछ रहते ही नहीं क्या करूं मैं मतलब मैं नहीं समझी चंद्राकर तुम्हारी बात एक बार ही अपना क्वेश्चन रिपीट करो बेटा मैं पूरी क्वेश्चन नहीं समझी तुम्हारे हाँ भाई तो देखो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट एक एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ में ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इस प्रदेश का वो बेहतर हो सके ठीक है इस इनिशिएटिव का मकसद यही है कि एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाया जा सके और बिहार में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके ओके नेक्स्ट किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सुनील शर्मा नीरज इखौरी प्रमोद शर्मा परमिंदर चोपड़ा विवेक श्रीवास्तव ठीक है बताइएगा किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ओके okay, मुझे क्या आंसर्स मिल रहे इंडिया से रिलेटेड वाले क्वेश्चन जहां भी जब भी मिले ना तो उसको कहीं पे लिख लो ताकि याद रहे एक पेज ही बना लो उस पेज पे लिख लो तो इसे याद रहेगा ठीक है हाँ भाई तो इस काम से क्या है बेटा देखो आपसे बोला जा रहा था कि किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी किसको किया गया है? सुनील शर्मा जी को इन्हें सेलेक्ट किया गया है एज डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अगला देखो किसको सेलेक्ट सिलेक्ट किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट एज डिप्यूटी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील स्मिता सारंगे नितिन जैन इंद्रमणि पांडे तनु सिंह सेंथिल पांड्यांसी बताइएगा बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिप्यूटी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मुझे क्या आंसर मिल रहे हैं देखो इंडियन रेवेन्यू सर्विस नितिन जैन जी को सेलेक्ट किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनको सेलेक्ट किया गया है अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू मार्च 2015 तो ये मार्च 2025 तक इसी पोस्ट पर रहेंगे ओके अगला देखो किसको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अंशिका सिंह दिनेश दशा दसा सॉरी सुरेश्वर बोनल मनोज सोनिया लोकेशन देखो ये जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह है ना ये वन लाइनर टाइप है इसमें आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए बहुत आसान आसान सी चीजें हैं ना तो इसी से मैं अभी ही कवर कर रही हूँ मैंने पूरे हफ्ते नहीं भी किया तो अभी हो जाएगा कवर ध्यान रहेगा ओके तो बस इसको आंसर करते चलो टेंशन में बताओ आप लोग हाँ भाई तो आपसे क्या बोला है बीन अपॉइंटेड एज इन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसका आंसर क्या है सुरेश्वर बोनल मुझे ये आंसर्स मिल रहे देखेगा सिंह बोनल जी को सेलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री अच्छा, ऑफ में पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम कर, कर, कर में आया भी तो हम लोगों के लिए नया नियोगा हम आसानी से इसे कर सकेंगे है ना तो इसे कर लेना बेहतर है अगला देखो सीनियर पी एम एल एंड लीडर मरियम नवाज बिकम फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विश प्रोविंस इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान में बड़ी बात हुई है पहली बार एक महिला चीफ मिनिस्टर बनाई गई है कौन सी प्रोविंस की बनाई गई है पंजाब कराची बलुचिस्तान खायबर या फकुंथवा तो इसका आंसर क्या है यस पंजाब ठीक है याद रखे रहिएगा सॉरी वन द गुड फेलो क्लासिक पीएससी चैलेंजर टू अर टाइटल इन टोरोंटो कनाडा अभय सिंह अरविंद चिदम्बरम अलेक्जेंडर प्रेट के आहत सिंह या जय कुमार श्याम डांसर वुड भी ओके okay. मुझे आंसर ए विच इज अभय सिंह देखिएगा इंडियन प्लेयर अभय सिंह गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर टाइटल इन टोरंटो कनाडा इन द फाइनल डिफीटेड ठीक है विद दिस गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैज वन पीएसए वर्ल्ड टूर टाइटल ठीक है तो आपको इनका नाम याद रखना है किस गेम को बिलोंग करते हैं ये दो पॉइंट्स याद रखो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे टफ करके अगला देखो इंडिया फिनिश दर्चरी एशिया कप ट्वेंटी आर्चरी के बारे में पूछे जा रहा है पूछे जा रहा है कि इंडिया जो है टोटल फोर्टीन मेडल्स मिले हैं अब इन फोर्टीन मेडल से कौन सा मेडल कहा कैसा मिला था यानी कितने गोल्ड कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब अगर हम लोग इसकी बातें कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा <coughs> इंडिया को फोर्टीन मेडल्स मिले थे जिसमें नौ गोल्ड थे ठीक है चार सिल्वर थे और एक ब्रॉन्ज था ओके अब जरा इधर देख लेते हैं नौ चार जरा देखिएगा बाकी चीजों को भी एक बार देख ले दीपिका कुमारी जी को गोल्ड मेडल मिला ठीक है अपने कंपेट्रिएट को हराकर बाकी इंडियन फाइनल धीरज धीरज जी ने तरुणदीप राय को हराया और इसके साथ इन्होंने मेंस रिकर्व वर्ष टाइटल जीता ठीक है तो ये दो तीन नाम आप लोगों को याद रखने होंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों के लिए ये नए नाम नहीं है वैसे भी दीपिका कुमारी जी बहुत ही फेमस भी है ओके अगला देखिएगा फरवरी 2024 में कौन पहले भारतीय सिटीजन बन गए जिन्होंने रिसीव किया ऑनरिरी नाइटहुड फ्रॉम यूके किंग्स चार्ल्स थ्री आनंद महिंद्रा राहुल गांधी रतन टाटा मुकेश अंबानी सुनील भारती मित्तल ठीक है कौन है वो पहले भारतीय ओके okay. हाँ आंसर करिएगा बाय द वे ये कल आप लोगों की क्लास में होने भी वाली है ठीक है लेकिन आज मैंने लगा लिया क्योंकि इसको अगले हफ्ते कराते हैं तो ज्यादा लेट लगता है हाँ तो चलो इसका आंसर क्या है भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें ऑनर नाइटहुड मिला है किंग्स चार्ल्स थ्री के द्वारा ठीक है अच्छा ये आप लोगों की कल की क्लास में ये पूरी न्यूज कवर की जाएगी ये मत सोचना कि ये नहीं हुआ है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अगले हफ्ते अगर हम करते ना तो बहुत लेट हो जाता है इसलिए इस हफ्ते लगा लिया है कुमार साहनी की मृत्यु हो गई है हु वॉज ही राइटर पॉलिटिशियन एक्टर सोशल वर्कर फिल्म मेकर ठीक है किसकी कुमार साहनी जी की अभी मृत्यु हुई है ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे ऑप्शन देखिएगा राइटर पॉलिटिशियन एक्टर सोशल वर्कर या फिर फिल्म मेकर ओके सो जब हम लोग इनकी बात करते हैं कुमार सहनी द पोल स्टार ऑफ द पैरल सिनेमा मूवमेंट इन इंडिया पास अवे ही वॉज अ क्रिटिक चॉइस द इनफ्लुएशियल फिल्म मेकर ठीक है अच्छा साहनी जो ये पूरी फिल्म लाइन है इससे बहुत बड़ा नाम है ये जुड़ा हुआ ठीक है साहनी लोगों का सो ही वॉज रिलेटेड टू वॉट ही वॉज रिलेटेड टू फिल्म ठीक है फिल्म आ, फिल्म जगत कहते हैं फिल्म मेकर और इनकी जो पूरी वो है ना फैमिली लाइन वो भी बहुत ही मशहूर नाम है इस पूरी इंडस्ट्री में पंकज दास जी की मृत्यु हो गई है ये कौन से क्षेत्र से जुड़े थे राइटर पॉलिटिशियन सिंगर जर्नलिस्ट कंपोजर तो जी को आप सभी लोग शायद सुने होंगे बहुत ही 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 मशहूर गजल गायक है ना सो वाज वाज रिलेटेड टू फील्ड अ सिंगर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने एमओ साइन किया किस आई के साथ में ताकि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज डेवलप हो सके आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी मद्रास आई इंदौर या फिर आई आई तुम थोड़ा सा सबर करो ठीक है थोड़ा सबर करो अभी हम इस डिप्रेशन में <laughs> हाँ तो अंतर्गत जो है इन्होंने एक एमओयू की साइनिंग करी है ठीक है और ये जो इन्होंने करी है ये नई दिल्ली में की है इसको करने का जो इनका मेन मोटिव था वो वही था कि जो भी लोकेशंस है जहा पे डेवलपमेंट कर सकते हैं किसके साथ में Uh, जहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए तो ये जो इन्होंने किया है ये इन्होंने आई दिल्ली के साथ में किया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से इसको आप लोग जरा ध्यान रखना मतलब आई से रिलेटेड क्वेश्चन बीच में तो बहुत सारे आते थे और जब आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कोई आई कुछ एक्सेप्शनल अचीव करता है आप जैसे ये जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा एक जो बात चल रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंज एक समस्या है ना तो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए स्मार्ट स्मार्ट चीजों को ले अगला यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर जी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इट इज डेवलप्ड बाय विच आई आई टी आई टी गुवाहाटी डेल्ही मद्रास इंदौर रोड की बताइएगा क्या पूछा जा रहा है कि हमारे वहां पर इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आया है इसको डेवलप किस आईआईटी के द्वारा किया गया है ओके सी 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 देखिएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड जल शक्ति राजेश चंद्रशेखर जी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म अच्छा इसको डेवलप करने वाला आई टी मद्रास है ये एक वन स्टॉप शॉप होगा स्टार्टअप्स के लिए कि वो आसानी से वेंचर कैपिटलिस्ट तो और इन्वेस्टर नेटवर्क से क्या कर सके कनेक्ट कर सके ठीक है मतलब उनको एक्सेस कर सके कनेक्ट कर सके इजी हो सके काम अगला देखिएगा फरवरी में नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी थी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की कहां पर सिंगतम रंगपो जोरथंग मंगमा या गयाल सिंह अब इसको देख लेते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव रखी थी पहली रेलवे स्टेशन की सिक्किम में और ये इन्होंने रंगपो में रखा था ठीक है इसको जरा सा देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट है जो डिजाइन है रंगपुर रेलवे स्टेशन का ये इंस्पिरेशन ले रहा है रिच कल्चर हेरिटेज और आर्किटेक्ट यानी जो सिक्किम का ओवरऑल कल्चर है कहीं ना कहीं ये उसी से ही इंस्पायर होकर के इसको बनाया गया है रंगपुर रेलवे स्टेशन की डिजाइन की गई है जो स्टेशन है ये अंडर कंस्ट्रक्शन 45 किलोमीटर रेल लाइन फॉर्म सिव्य नियर सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल टू रंगपो इन सिक्किम रहेगा इसमें फोर्टीन टनल्स और ट्वेंटी ब्रिजेस है ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये जो ट्रैक है सिवो के सॉरी सिवो के रामपुर सेक्शन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का इसमें कैपेसिटी होगी कि पच्चीस टन और ट्रेन जो है ये मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आर से रन कर सकता है साथ ही साथ में तीन स्टेशन होंगे इसके बीच में जैसे आप लोग देख सकते हो ठीक है तो कहां पे बनाया जा रहा है कितने टनल्स हैं कितने ब्रिजेस हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम परसपेक्टिव से ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ओके okay. अगला बाकी यहां पे सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है ये आप लोग देख सकते हो अगला देखो कौन सी कंट्री में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मॉस्क और अफ्रीका का लार्जेस्ट मॉस्क इन, इनोग्रेट किया गया है ईरान अल्जीरिया यूएस सीरिया या सऊदी ठीक है इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़े मॉस्क का इनोग्रेशन किया गया है बताइएगा ओके इसका आंसर क्या है अल्जीरिया अल्जीरिया ने इनोग्रेट किया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और अफ्रीका का सबसे बड़ा मॉस्क ठीक है जैसे आप देख सकते हो अब जो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं अब देल मस्जिद तेबोने इन्होंने इनोग्रेट किया है ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जियस अगला देखो फरवरी 2024 में कौन सी कंपनी ने रिसीव किया था पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई से बहुत सारी कंपनीज ने किया है कल हम लोग पढ़े भी थे कि फरवरी दो में किसने किया ये तो अभी अमेजोन पे ने किया था ठीक है पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस कौन सी एंटिटी ने ऑर्गेनाइज किया था अपना मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट 670 डिस्ट्रिक्ट्स में नाबार्ड आरबीआई ईपीएफओ से बी एंड सेट भी अच्छा हाँ ये भी आप लोगों की कल की क्लास में पढ़ाया जा रहा है ठीक है अच्छी खबर है ये काफी चलो तो निधि आपके निकट किससे रिलेटेड है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिएगा ईपीएफओ ने अपने एंड से लॉन्च किया है निधि आपके निकट छे डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने किया है ताकि जो भी ईपीएस नाइनटी फाइव पेंशनर्स हैं उनके लिए आसान हो सके क्या आसान हो सके आप लोगों को कल की क्लास में बताया जाएगा ठीक है आज के सेशन से ऐसी चार पांच न्यूज है या चार पांच ऐसे क्वेश्चन हैं जो कल के सेशन में आप लोग पाओगे ठीक है वो ऑलरेडी है अगला देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया भारत टेक्स कौन से शहर में ठीक है तो भारत टेक्स बहुत बड़े स्तर का ये टेक्सटाइल इवेंट है है ना कौन से शहर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे देश की जो भी टेक्सटाइल रिलेटेड खासियत है समझाया था है ना? इसको दिल्ली भारत में किया गया है। अगला देखो किसको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ एन ठीक है तो एन टी पीसी में डिरेक्टर ऑपरेशन किस ऑप्शन है गणेशन कन्ना नीरज अखौरी प्रमोद शर्मा परमिंदर चोपड़ा रविंद्र कुमार इसका आंसर क्या है बेटा देखिएगा रविंद्र कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एस डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ एनटीपीसी। अगला देखिएगा कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया विश्व का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम अक्रॉस द कंट्री इन फेबर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम मिड डे मील अंत्योदय अन्न विकसित भारतीय सहकार से समृद्धि ओके okay. तो इसका आंसर क्या होगा डी 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 थोड़े और तेजी से बताओ क्या पूछा आपसे किस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है विश्व का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम ठीक है किसके अंतर्गत किया है देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है विश्व का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट 1.25 लाख करोड़ की है इससे जो भी फायदे होने वाले हैं ये पीएससीएस सोसाइटीज वगैरह को मिलने वाले हैं ठीक है अंदर द प्रोग्राम 700 लाख टन्स ऑफ कैपेसिटी विल बी देखो भाई द आंसर वुड बी विकसित भारत ठीक है सॉरी <coughs> सहकार से समृद्धि ठीक है सहकार से समृद्धि अगर था इस ऑप्शन में सो दैट वुड बी योर आंसर हाँ यहाँ पर है ओके तो ये सहकार से समृद्धि था इट वाज नॉट विकसित भारत बिकॉज ये किसके लिए किया गया ये पी एस सी एस सोसाइटी के लिए ही किया गया है ताकि जो ग्रेन स्टोरेज वो बेहतर हो सके और वेयर हाउस की एक समस्या को दूर किया जा सके ठीक है तो अगर ये नहीं होता देन वी वुड हैव दिस ओके ये गेस वाला पूरा था हालांकि हम लोगों ने इसको अपनी क्लास में पूरी तरह से किया भी था ओके अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिवील किया है नेम ऑफ फोर एस्ट्रोनॉट्स ठीक है हु हैव बीन सिलेक्टेड अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन नहीं है ठीक है तो वो जो चार एस्ट्रोनॉट्स जिनको गगनयान मिशन पे सेलेक्ट किया गया है इनमें से कौन एक नहीं है ऑप्शन अंगद प्रताप प्रशांत बालकृष्णन अजीत कृष्णन प्रसाद कृष्णन या शुभांशु शुक्ला आंसर करना जरा हाँ देखो ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हैं इतने क्लोज ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इसका आंसर है प्रशांत बालकृष्णन इनका नाम नहीं है बाकी चारों लोगों का नाम है ठीक है प्रशांत कृष्णन जी इसके अंदर नहीं है प्रशांत बालकृष्णन नायर है ठीक है और अजीत कृष्णन है इन लोगों के नाम बहुत क्लोज है अजीत कृष्णन प्रशांत बालकृष्णन ही इज नॉट प्रशांत कृष्णन तो इसका ऑप्शन जो है ये प्रशांत कृष्णन ये इनको नहीं सिलेक्ट किया गया बाकी जो चारों लोग हैं इन लोगों को सेलेक्ट किया गया है किसके लिए गगनयान मिशन के लिए ओके अगला किससे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ठीक है तो अभी अभी हम लोगों के वहां पर लोकपाल किसको अपॉइंट किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शरद अरविंद बोबडे उदय ललित एनवी उ रंजन गोगोई तो लोकपाल के पद पे किसको अपॉइंट किया गया ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय मनिक राव खानविल एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल अलोंग विथ सिक्स मेंबर्स ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा उसका आंसर होगा अजय मानिक राव अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है एज यूजल जैसे मैंने आपसे कहा चार पांच न्यूज है उसमें एक भी अभी इसके अलावा एक दो और ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो हम कल देखेंगे ओके okay? अगला देखो इसलिए मैं आपसे कह रही थी ना जो अपनी क्लास का टाइम सिक्स फोर्टी फाइव करने को वो इसी से कह रही थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम लैकिंग है ना तो वो मैं वेंसडे से जो आपकी क्लास का टाइम होगा वो सिक्स फोर्टी फाइव कर दूंगी तब ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो कौन से मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ ताकि वो सर्व कर सके कंटिन्यूएशन ऑफ एकेडमिक कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आयुष हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताइएगा ओके देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया एमओयू रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ में ये एमओयू की साइनिंग की गई है नई दिल्ली में ठीक है बेसिकली जो ओवरव्यू होगा आयुष सर्विस सेक्टर का और कैसे ये कंटिन्यूएशन में चल सकता है अकेडमिक कोऑपरेशन और कोलैबोरेट करके इसी पे ये लोग मिलकर के काम करने वाले हैं नॉलेज पार्टनरशिप होने वाली है जिस एमओयू के अंतर्गत ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक कोऑपरेशन को नहीं बढ़ाएगा बट उसके साथ ही साथ में आयुष का जो सर्विस सेक्टर है उसको ओवरव्यू करके और बेहतर करेगा एक समय मतलब कुछ समय रहते ही कर लेगा ये नहीं है कि आजीवन दे दिया गया एक टाइम बाउंड मैनर में यह किया जाएगा ठीक है <coughs> अगला देखिएगा नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं हर साल 28 फरवरी को ताकि ताकिट कर सके रमन इफेक्ट जिसकी डिस्कवरी की गई थी सीवी रमन जी के द्वारा किस साल में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में 1930 28 तीस अट्ठाइस या चौवालिस हाँ भाई तो इनको ये जो आ, नेशनल सॉरी नोबल प्राइज दिया गया था ये 1930 में दिया गया था बेसिकली इसी दिन हमारे देश में आज के समय में नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है ठीक है 1903, जो इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन और उसी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्नीस में <coughs> अगला इंडिया के ओल्डेस्ट चैंपियन शफीकर रहमान बर्ग जी की मृत्यु हो गई ठीक है ये कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे आईएनसी समाजवादी भारतीय जनता आम आदमी या बहुजन समाज पार्टी <coughs> मुझे क्या आंसर मिल रहे हैं सी सी बोले भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती सबको तुम लोग बीजेपी में घुसा दे तो देखो ये समाजवादी इसको मैं पढ़ाई भी थी और आपसे बोली भी थी इनकी पार्टी को याद रखना सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर और एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश संबल रहमान एट द शिक्डेट दाइनटी फोर अच्छा हाँ इनका ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी इसको जरूर याद रखे रहना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे ये सीधा पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से एक एम थे अगला देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव रखी है इसरो के सेकेंड स्पेस पोर्ट की कौन सी राज्य में केरल तमिलनाडु ओडिशा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ठीक है हाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव रखी है दूसरे बड़े स्पेस पोर्ट की कहा पर ये रखी गई है देखिएगा तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु में और भी इन्होंने बहुत सारी इनोग्रेशन करी हैं ठीक है तो उसमें जो है स्पेस पोर्ट की भी नींव रखी अभी फिलहाल में जैसे आप देख सकते हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव रखी है इसरो के सेकेंड स्पेस पोर्ट की कहाँ पर कुलक्षेत्र पत्रीनम तमिलनाडु में ये पहला स्पेस पोर्ट जो अपने देश का वो आंध्र प्रदेश हरिकोटा में जो नया स्पेस पोर्ट है ये तमिलनाडु में रहेगा ओके विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू मिटिगेट फाइनेंशियल हार्डशिप कॉज बाई अन डिवाइस ठीक है तो कौन सी राज्य सरकार ने अपने वहां पर इसकी शुरुआत करी है ताकि जो भी अनटाइमड डिमाइस की वजह से दिक्कत होती है वो ना हो त्रिपुरा वेस्ट बंगाल नागालैंड बिहार छत्तीसगढ़ बताइएगा आज की लेटेंसी बहुत जबरदस्त है क्योंकि तुम लोग दी 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 दी। देखो देखो. सरकार ने एक फुली यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च है ताकि जो बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर परिवार में जो दिक्कतें आती हैं फाइनेंशियल हार्डशिप उनको फेस ना करना पड़े है? ये इंश्योर करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और प्रोवाइड करेगा कवरेज फॉर ब्रेड विनर्स एंड फैमिली मेंबर्स ओके अगला देखिएगा वॉट इज द नेम ऑफ एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन इनिशियेटिव अनाउंस बाई रिलायंस फाउंडेशन तो हर जगह यही है अभी फिलहाल में रिलायंस ने जो नया एक रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया एनिमल्स के लिए इसका नाम क्या है इसका नाम है वंतारा ठीक है अगला कौन सी कंट्री स्क्रैप करने वाली है वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल ठीक है तो कौन सी कंट्री है ऐसा कौन सा देश है जो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला जो कानून है वो खत्म करेगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आयरलैंड सब समय समय की बात है बेटा ये करने वाला कौन है देखो न्यूजीलैंड एक समय में एकदम भयंकर हुआ था कि चौदह साल के ऊपर को नहीं करना है ये वो ठीक है भयंकर न्यूज में चल रहा था मैं इसके लिए वीडियोज भी अलग से की थी खैर तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने बोला कि इसको स्क्रैप करने वाले हैं Uh, जो पहला लॉ इनका था कि ये तो, सॉरी जो विश्व में पहली बार हुआ था ना कि टोबैको के केज के बाद नहीं खा सकते हैं लोग तो इन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इसको हटा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा ओके तो ये स्क्रैप करने वाले रिपील करेंगे विश्व का पहला लॉ जो बैन कर रहा था टोबैको सेल को फ्यूचर जनरेशन के लिए विच फिन टेक कंपनी हैज लॉन्च न्यू फीचर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म पॉकेट यूपीआई टू फेसिलिटेट पेमेंट विदाउट लिंकिंग बैंक अकाउंट मोबीक्विक अमेजोन पे फोन पे इंस्टामोजो या रीजो पे Obviously, उन्होंने ये बात बताई भी थी उन्होंने ये बात जब आ, ये लॉ ला रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि इसकी वजह से एक तो हम लोग कम्पलीटली रोक नहीं सकते इन तो बिकेगा ही बिकेगा और साथ ही साथ में टैक्स कलेक्शन और बाकी की भी जो हमें नुकसान हो रही है वो हो ही रही है चलो खैर इसका आंसर क्या है मुझे क्या आंसर मिल रहा है ए ए बोले तो वॉट मोबीक्विक देखेगा मोबीक्विक ने एक नया फीचर लॉन्च किया पॉकेट यूपीआई अच्छा कल एक क्वेश्चन भी पूछा गया अभी आई बी पी एस एसओ का इंटरव्यू चल रहा है शायद आपको पता हो तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि पॉकेट यूपीआई क्या है ठीक है तो कल ये सवाल पूछा गया था पॉकेट यूपीआई वगैरह से क्वेश्चन अगला महानगर गैस ने अक्वायर किया कितना प्रतिशत शेयर होल्डिंग थ्री ईवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में ठीक है तो महानगर गैस ने इसमें कितना प्रतिशत शेयर होल्डिंग लिया देखिएगा महानगर गैस ने एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट किया थ्री ईवी के साथ में और इन्होंने एक्वायर किया थर्टी पॉइंट नाइन सेवन परसेंटेज बेटा ये सब आप लोग बस रटे रहो रटने रटने वाली चीजें हैं ठीक है थीके? बहुत अंदर हमें इसमें नहीं घुसना है अगला देखो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप के द्वारा मनी के साथ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के लिए तो ये करने वाला कौन था बेटा जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने ये कल कर, कर रखा ऑलरेडी अगला किसे अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया तो ये किसको किया गया था सचिन जैन जी को अपॉइंट किया गया था नया सीईओ ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया अगला किसे किया गया डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड आते हैं नहीं बट रहिएगा तो ये, ये चीजें अगला देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी फ्लैग ऑफ किया इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट वर्चुअल बोर्ड में इसको बनाने वाला कौन है ठीक है तो ये कल हम कर नहीं पाए थे इसको बनाने वाला कोचिन शिपयार्ड है ठीक है बेटा तो जैसे आप देख सकते हो ये कल की आपकी क्लास में लगा हुआ था बट हम कर नहीं पाए थे टाइम लैग की वजह से एलिजिबल तो आ, ये जो है पहली बार एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट आई है वर्चुअल बोड में आ, इसका इनोग्रेशन किया गया है और इसको बनाया गया कोचिन शिप यार्ड के द्वारा ओके अब इसके बारे में और कुछ क्या मैं नहीं जानना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी थी कौन से साल तक इंडिया स्पेस आ, इंडिया अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बिल्ड कर लेगा तो गगनयान मिशन की जब एस्ट्रोनॉट्स की अनाउंसमेंट की गई थी स्पेस पोर्ट के बारे में बताया गया था उस टाइम पे बताया गया था कि दो हजार पैंतीस है ना हाँ दो तक भारत अपना खुद का एक क्या कर लेगा स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लगातार इस लाइन में कि वो अपने अपने स्पेस पोर्ट लॉन्च करेंगी ठीक है स्पेस स्टेशन एक ऑलरेडी स्पेस स्टेशन है जो पांच अलग अलग स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर बनाया है जिसको रद्द कर दिया जाएगा दो तक फिर चाइना अपने एंड से लॉन्च कर रहा है रशिया लॉन्च कर रहा है यूएसए कर रहा है भारत ने कहा है कि भारत भी अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लेकर आएगा 2035 तक अगला जैन निकोल स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ट्वे, टी ट्वेंटी इंटरनेशनल हिस्ट्री ड्यूरिंग अलैट्रोल मैच अगेंस्ट नेपाल हिस्स फ्रॉम विच कंट्री ठीक है तो जैन निकोल कौन से कंट्री से खेलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है ये नामीबिया के खिलाड़ी है और इन्होंने एक नया इतिहास बना लिया है फास्टेस्ट सेंचुरी का टी इंटरनेशनल हिस्ट्री में ठीक है इन्होंने कितने गेंद में सौ रन बना लिए थे तैतीस गेंद में बस अब यहाँ पे जो कंट्री और जो बॉलर्स होते हैं ना वो बड़े प्रेशर में आ जाते हैं बेचारे उनकी हालात खराब हो जाते हैं बहुत अगला देखिएगा नील वैगनर ने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से ये कौन से कंट्री के हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है कि नील वैगनर ने अपना अनाउंसमेंट अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है कौन सी कंट्री से खेलते हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आयरलैंड तो इसका आंसर क्या है बेटा देखिएगा न्यूजीलैंड के ये बोलर है नील वैगनर इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका जो भी करियर है अब इस पर हॉल डालेंगे और ये क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं ओके अगला रिलायंस इंडस्ट्रीज और कौन सी कंपनी है जो ऑफिशियली साइन की बाइंडिंग एग्रीमेंट कि अपना मीडिया बिजनेस क्या करेंगे मर्ज तो ये किसके साथ में करने को कहें डिजनी के साथ में ओके अगला कोल इंडिया लिमिटेड और भेल ने कहा है कि ये मिल करके इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट डालने वाले हैं आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर तो ये भी हम लोगों ने क्लास में पूरा किया था ये कहाँ पर इस प्लांट को डालने वाले हैं? बेसिकली क्लास पीछे चल रहा मेरा हाँ मुझे ये समझ आ रही है कि मेरी क्लास बहुत ज्यादा आगे चल रही है तुम लोगों के क्वेश्चन तुम लोगों के आंसर्स बहुत ही लेट आ रहे हैं मेरे पास में हाँ भाई तो ये जॉइंट वेंचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नया जो अमोनियम नाइट्रेट प्लांट है कहाँ डालने वाले ओडिशा में मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है इसके यूजेस क्या है ठीक है चलो तो वी आर डन विद द विद्सटी क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन भी हैं अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो करवा दू मैं वी हैव लाइक सिक्सटी फाइव क्वेश्चन पांच और क्वेश्चन है चलो देख लेते हैं ठीक है थीके? चलो फरवरी 2024 में मिनिस्ट्री ने साइन आ, कौन से मिनिस्ट्री ने साइन किया था बारह टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ में अग्रीमेंट एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन बेहतर करने के लिए ठीक है बेसिन और मैनेजमेंट ऑफ सिक्स रिवर तो ये करने वाली कौन थी जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी की थी साइनिंग किसके किसके साथ में कौन सी बेसिन मैनेजमेंट के लिए साइनिंग की गई है वो आप देख सकते हो ये सब रटे रटाने वाली चीजें और कुछ नहीं है ठीक है अगला रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने पार्टनरशिप के किस एलिफेंट हाउस के साथ की मैन्युफैक्चर करें और uh, डिस्ट्रीब्यूट करे रिटेल बेवरेजेस अंडर द एलिफेंट हाउस ब्रांड इन इंडिया एलिफेंट हाउस इज द ब्रांड ऑफ विच कंट्री ठीक है तो ये कहाँ की है बेसिकली ये जो ब्रांड है देखिएगा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड एफ एम सी जी सब्सिडरी ऑफ रिलायंस रिटेल ने इनकी है पार्टनरशिप श्रीलंका बेस्ड एलिफेंट हाउस के साथ में ठीक है अगला देखो कौन सी कंपनी ने साइन किया एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट महाजिनको के साथ में ताकि डेवलप कर सके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को ये करने वाला कौन था बेटा ये करने वाला था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है ना ंग हाँ यही था ये हम लोग पढ़े थे एक्चुअली क्लास में इंडिया की क्या रैंक थी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में तो इंडिया की क्या रैंक थी पर कौन था यूएसए था एक और सवाल है ये बस है आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस कहाँ की स्थित सुमेरपुर मर्सेंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लेंडर डॉट है ये कोऑपरेटिव बैंक के पास में सफिशियंट पैसे नहीं है तो आरबीआई ने इनका कैंसिल कर दिया है लाइसेंस राजस्थान स्थित है ठीक है चलो ये हमारी आज की क्लास थी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो कोई समस्या हो तो आप बताइएगा अगेन एज आई सेट यहाँ पे बहुत सारी पिछली न्यूज होती है बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स होते हैं जो हमें आज करने होते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम कल करेंगे ठीक है ये सब कुछ कवरेज हो जाती है अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो आप लोग वन लाइनर टाइप है एक बार ही देख लिया करो अपने आप हो जाता है उसमें कुछ हमें अंदर नहीं जानना है कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल थी जो हम कल करेंगे ठीक है एनी आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो एंड uh, कल हम लोग फिर मिलेंगे तब तक आप लोग घर पे रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो करना संडे है तो एंड uh, याद रखिएगा अभी से लेके जो छह महीने है ना उनके बीतने में देरी नहीं लगती बहुत तेजी से बीतते हैं तो संडे का यूटिलाइजेशन करो जब दुनिया मौज कर रही है उस दिन भी समय निकाल के दो से तीन घंटे तो रिविजन और प्रैक्टिस करो है ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे तो तभी कुछ एक्स्ट्रा पाओगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स ही आपको ले जाता है एक्स्ट्रॉडिनरी वही आपको बनाता है इसलिए जरूरी अपने एंड से आप लोग थोड़े से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स दो ओके चलो अब हम लोग कल मिलेंगे बेटा अपनी नॉर्मल क्लास जो होती है करंट अफेयर्स की उज में टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड थैंक यू जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू टेक केयर लव यू एंड बाय एवरीवन